Hello students, this is Sukhdev sir, welcomes you once again in the web classes. Students, I hope you all are doing well at home and watching the videos regularly, and the most important thing, you all are enjoying. Chapter number 1, Accounting for Share Capital, and this is from part 2, 12th account book, and chapter number 1. And this is the lecture number 11. In the previous video, we have tried to understand the concept of reissuing shares, how the shares can be reissued, the shares which were forfeited, how they can be reissued. We have understood that concept in the previous video, and I think we have solved two questions of one illustration we have solved in the previous video, and I have given you three questions for the homework. लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने homework नहीं किया होगा क्योंकि वीडियो देखते ही नहीं हो. अगर आप वीडियो देखोगे नहीं then you won't be able to understand anything related to this chapter as well as many other chapters in the part 1 as well as in the part 2. तो ये चैप्टर जिन्होंने स्टार्टिंग से नहीं देखा है ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है. अगर किसी को कुछ भी समझना है तो ये चैप्टर्स को शुरुआत के वीडियो से स्टार्टिंग के वीडियो से आपको देखना पड़ेगा. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द कंटेंट्स विच आई एम गोइंग टू टीच यू. ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो इलस्ट्रेशन हमने आधा रखा था उसको आज कंटिन्यू करवाता हूँ. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. Students, welcome back. This is the question number 3rd of this particular example. On 14 September 2017, company forfeited 1200 equity shares of Drumal of face value of rupees 10 each for non-payment of 3 per share on final call. Drumal had paid rupees 4 per share on application, rupees 8 per share including premium of rupees 5 per share on allotment. Out of forfeited shares, company reissued 800 equity shares to Mines on 16th October 2017 at a discount of rupees 5 per share. Sir, ये पढ़ने को तो हम भी पढ़ सकते थे, तो बात पढ़ने वाली नहीं है बच्चों. इसमें टोटल जो है देखो कि 10 रुपये का शेयर है बराबर, उसमें द्रुमिल भाई ने पेमेंट कितना कर दिया, 4 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया. कितना पेमेंट कर दिया है देखो, 4 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया है और इंक्लूडिंग प्रीमियम, अलॉटमेंट के टाइम पे इन्होंने प्रीमियम का पेमेंट भी कर दिया है. देखो 5 रुपी का प्रीमियम था और टोटल 8 रुपी, मतलब 5 + 3 तो प्रीमियम आ गया है, मतलब उसको सोचने का नहीं. मैंने आपको क्या बोला था, जब भी शेयर फोरफिट होते हैं, फोरफीचरिंग होता है शेयर का, तो अगर प्रीमियम से इश्यू किए हो किए थे उनको अगर फोरफिट किया गया है तो रीइश्यू के टाइम पर हमको खाली इतना ही देखना है, रीइश्यू का टाइम हो या फिर फोरफीचरिंग का टाइम हो, सॉरी आई एम मिस्टेकन, तो फोर फीचरिंग के टाइम पर हमको यही देखना है कि प्रीमियम की अमाउंट रिसीव हुई है या फिर रिसीव नहीं हुई है. तो यहाँ पर क्लियरली बोला है द्रुमिल हैड पेड रुपीज़ 4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, रुपीज़ 8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट. मीन्स ये जो है प्रीमियम का पैसा आपको मिल गया है, तो यहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है. अब खाली इतना देख लो कि 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये का शेयर था. रुको एक ब्लैंक पेज लेता हूँ आपके लिए. देखो स्टूडेंट्स, 10 रुपये का शेयर था, 10 रुपये में से नॉन पेमेंट ऑफ 3 पर शेयर ऑन फाइनल कॉल, द्रुमिल हैड पेड 4 रुपीज़, एप्लीकेशन का 4 और अलॉटमेंट का टोटल 8 है. तो देखो बताता हूँ आपको मैं, एप्लीकेशन का कितना था, एप्लीकेशन का टोटल था 4 रुपीज़, कितना था 4 रुपीज़, अलॉटमेंट का टोटल कितना मिला था 8, लेकिन हमको 8 नहीं देखना है क्योंकि 8 जो था वो 5 + 3 था,
ये प्रीमियम है और ये शेयर है, तो प्रीमियम का रिसीव हो चुका है, शेयर का भी हुआ है, लेकिन हमको टोटल थ्री फोर टोटल ₹10 का कॉल किया था, मतलब फेस वैल्यू जितनी उतनी हमने कॉल कर चुके हैं बराबर, और ₹10 में से खाली फाइनल कॉल के ₹3 पेड नहीं है, फाइनल कॉल के जो ₹3 है वो क्या है, नॉट पेड, और ₹7 जो है वो पेड है, जिसका फोर फीचरिंग का कंसेप्ट क्लियर नहीं वो भी समझ सकते हो, ये जो पेड है वो फोर फीचर में जाएगा, फोर फीटेड बराबर, और जो अनपेड है नॉट पेड है वो जो ₹3 किसमें जाने वाला, जिसका नाम का है फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल में ये जाने वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो फोर फीचरिंग के टाइम पे नंबर ऑफ शेयर्स हैज बिन कैंसल्ड, वो कैंसिल होते हैं, कैपिटल डिक्रीज होता है, दैट इज़ वाई वी सेल डेबिट द कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जितनी भी नंबर ऑफ शेयर्स है उनको 10 से हम डेबिट करेंगे बराबर, और क्रेडिट में फोर फीचर अकाउंट में 7 जाएगा और फाइनल कॉल में ₹3 जाएंगे, ठीक है देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वो देख लो ऐसा है कि नहीं है, सी नंबर था ना तो जब का नाम आया ये रसी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1200 शेयर्स थे, 1200 × 10 12000 हो गए, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 8400 ₹7 पेड थे, और शेयर फाइनल कॉल ₹3 वर आउटस्टैंडिंग, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर से 1200 × 3 मीन 3600 हो गए। अब इसको फोर फीटेड शेयर्स कंपनी री इश्यूड 800, ध्यान रखना 1200 की जगह पर जो है 800 से री इश्यू, मतलब 800 शेयर्स को ही री इश्यू किया है, और डिस्काउंट कितना दिया है ₹5 का, देखो मैं बताता हूँ ध्यान से समझना, सी नंबर वेयर इज IIT आ गया, सी चाहिए हमको, ये रहा बराबर, 800 शेयर्स वर री इश्यूड 800 × 5 ₹5 का डिस्काउंट था, टोटल हमको ₹10 चाहिए होता है, तो ₹5 मिलेंगे बैंक अकाउंट में जाएगा, और ₹5 का जो है हमने जितनी भी फोर फीट जो अमाउंट जब्त करके रखी है उस अकाउंट में से हम डेबिट करेंगे, क्योंकि वो टोटल अमाउंट क्रेडिट की हुई है, 800 × 5 कर दिया हमने बराबर, तो ये डेबिट कितना हो गया 4000, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ऊपर देखो शेयर कैपिटल अकाउंट ये 1200 को छोड़ो, लेकिन जो मल्टीप्लाई किया 10 से किया हुआ है, तो वापस क्रेडिट भी इसको आपको 10 से ही करना है, भले ही नंबर ऑफ शेयर्स की संख्या नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो जाए, 800 × 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 8000। अब आप सोचोगे कि सर जो फोर फीचर का बैलेंस है वो बैलेंस हम कैसे चेक करेंगे, तो बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर जो है 1200 शेयर्स थे, कितने थे 1200 शेयर्स, तो 1200 शेयर्स का टाइम पर शेयर फोर फीचर कितना था 8400, तो हमको 800 का चेक करना पड़ेगा ना, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, देखो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, एकदम सिंपल, स्क्रीन पे लगभग कलर चेंज कर देता हूँ मैं आपको, बहुत इजी हो जाएगा आपका काम, डार्क कलर ले लेता हूँ, इसको मैं आपको एक ब्लैंक पेज में समझाऊँ तभी बेटर होगा, देखो इसमें 1200 का 84, देखो ट्राई करता हूँ, 1200 कितने थे 1200 इक्विटी शेयर्स थे, उसमें से ₹7 हमने जो पे किया था उसको हमने फोरफिट कर दिया था, तो 8400 जो है वो 1200 शेयर्स पर है बराबर, तो हमने री इश्यू कितने किए थे खाली 800 शेयर्स, तो पर शेयर फोर फीचर कितना है 7, तो 1200 × 7 करोगे तो 8400 आएगा, हमने री इश्यू 800 किया है तो 800 × 7 करो तो 87 जो कितना होता है 56 ना, देखो 5600 कितना हो गया 5600, तो 800 शेयर्स का फोर फीटेड अमाउंट कितना है 5600, अब 5600 को याद रखो उसमें से कितना यूज हो गया वो देखते हैं, 5600 में से 4000 यूज हो चुका है, तो 5600 में से 4000 अगर आप माइनस कर दो 1600 विल बी रिमेंड अमाउंट, देख लो
तो उसको हमने क्या कर दिया, टू कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका। अब आएगा डी, मतलब डी वाला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से समझना, उसमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा। इसमें प्रीमियम पेमेंट किया हुआ था, इसमें शायद प्रीमियम का पैसा नहीं भरा होगा। ठीक है चलो हम पढ़ते हैं, जो भी होगा देख लेंगे। थोड़ा सा और इस तरफ कर दो तो क्या है, जूम कर सकते हैं। हाँ, ऑन 1st August 2017 कंपनी फोरफिटेड 700 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच ऑफ हेतांस फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹54 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹54 कर लेना पूरा। तो ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वर 700, मुझे स्क्रीन पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बोला है नॉन पेमेंट, तो किस किस का पेमेंट नहीं आया है। अलॉटमेंट का टोटल 54, फाइनल कॉल का 3। 54 में आप देखोगे तो प्रीमियम भी है। नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर प्रीमियम था जो कि मिला नहीं है। तो मैंने आपको कॉन्स्टेंटली बोलता आया हूँ कि जब भी शेयर प्रीमियम से इश्यू किए जाते हैं, व्हेन एवर द शेयर्स आर इश्यूड विद द प्रीमियम, मेक दैट क्लियर नॉट इन योर माइंड दैट शेयर्स इश्यूड विद द प्रीमियम, फर्स्ट थिंग वी हैव टू कंसिडर दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज रिसीव्ड और नॉट। तो यहाँ पर क्लियरली बोला है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला और उस टाइम पर प्रीमियम हमने कॉल किया था, प्रीमियम की अमाउंट ड्यू थी विच इज़ नॉट रिसीव्ड येट। ठीक है, तो प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो हम शेयर कैपिटल डेबिट करने के साथ साथ वाइल फोर फीचरिंग शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल डेबिट करने के साथ साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी क्या होता है, डेबिट होगा। तो चलो देख लो क्या क्या पैसा नहीं भरा है अभी तक। तो ये 50 को निकाल दो तो 4 रुपीज़ बचा ना, अलॉटमेंट का 4 और फाइनल कॉल का 3, टोटल कितना पेमेंट नहीं आया है तो 7 रुपीज़। तो पेमेंट आया कितना है, 3 रुपीज़। ये 3 रुपीज़ जो है वो पेड है और 7 रुपीज़ जो है अनपेड है। कैसा है, अनपेड। ठीक है, तो चलो शेयर फोर फीचरिंग में 3 रुपीज़ पेड है तो ये 4 फीचर में जाएगा और जो अनपेड है वो जिस नाम से अनपेड है उस नाम में जाएगा। तो चलो देखते हैं फोर फीचरिंग की एंट्री डी वाले में। ये तो बी है, आ जा डी आर आर डी। देखो ध्यान से समझना बच्चों तो ही समझ में आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 700 शेयर्स थे, 10 रुपीज़ पूरा कॉल कर दिया था तो 7000। सिक्योरिटीज प्रीमियम में 50 रुपये का प्रीमियम था तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 700। तो 700 का अगर आप 50 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, केएलसी है आपके पास में, आप आराम से कर सकते हो, तो 35000। अब फोर फीचर में कितना जाएगा, 3 रुपीज़ पेड था, ये फोर फीचर में जाएगा। अलॉटमेंट के टाइम पे देखो प्रीमियम का 50 और शेयर का 4, 54 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग था तो जो जिस नाम से आउटस्टैंडिंग हो उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। फिर फाइनल कॉल का 3 रुपीज़ तो फाइनल कॉल को भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गई फोर फीचरिंग की एंट्री। अब री इश्यू इसका कैसा हुआ है वो हम देख लेते हैं। चलो री इश्यू देख के फिर आपको मैं बताता हूँ। आउट ऑफ फोर फिटेड शेयर्स कंपनी री इश्यूड 500। देखो लास्ट टाइम जैसा किया था वैसा ही है, 700 में से 500 री इश्यू किया। खाली फ़र्क इतना ही है कि उस टाइम पर प्रीमियम मिल गया था और इस टाइम पर प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं हुई थी। इक्विटी शेयर्स ऑन वट एवर डेट ₹35 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹25 फॉर ईच शेयर टू हिरन। देखो इसके अंदर नॉर कंपनी ने डिस्काउंट देना तो बहुत दूर की बात है, एक्स्ट्रा पेमेंट लिया है तो कितने पैसे लिए, कितने रुपए लिए, 25 रुपए लिए, तो 10 रुपी शेयर कैपिटल में जाएगा और एक्स्ट्रा का जो 10 रुपीज़ शेयर कैपिटल में जाएगा और एक्स्ट्रा का 25 जो है वो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। इसमें शेयर फोर फीचर का जो अमाउंट था पूरा पूरा बच गया, एक्स्ट्रा पैसा आया वो अलग।
देखो हाँ यही वाला है, इसमें सेकंड नंबर की एंट्री 500 × 35 टोटल आया, शेयर कैपिटल में 5000 और 25 एक्स्ट्रा था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो जो भी बैलेंस है शेयर फुल फीचर का पूरा पूरा बच गया। आप सोच रहे होंगे सर स्टार्टिंग में तो शेयर फुल फीचरिंग था 2100, तो बच्चों खाली इतना देखने का यार 700 है वो 500 था। देखो पर शेयर फोरफिट कितना हुआ था 3 रुपीज़, 700 3 कितना होगा 2100, वहाँ पे 500 शेयर से 500 × 3 कितना होगा 1500, तो 1500 जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। देख लो ये कर दिया ट्रांसफ़र। चलो अब किसका जो लास्ट दिया हुआ है वो हम देख लेते हैं। लास्ट सम जो दिया है ध्यान से समझना, उसके बाद शेयर फोर फीचरिंग और री इश्यूइंग दोनों कंप्लीट हो जाएगा अपना, अच्छे से समझना तो समझ में आएगा। कंपनी फोर फिटेड 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ गिरीश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन फाइनल कॉल। कंपनी हैड ओरिजिनली इश्यूड दिस शेयर्स एट फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर, तो ₹10 में इश्यू हुआ था बराबर, उसमें से नॉन पेमेंट मतलब ₹3 फर्स्ट कॉल के, ₹2 फाइनल कॉल के, टोटल मिला के 5 पेमेंट किया हुआ है और 5 नॉन पेमेंट है बराबर। हाँ गया ये रहा, देखो थोड़ा ऊपर इक्विटी शेयर कैपिटल लगा 2000 × 10 बराबर, फिर ₹5 पेड है और ₹5 अनपेड है, अनपेड को अलग अलग, ये ₹5 जो पेड है वो शेयर फोर फीचर में जाएगा, ₹3 फर्स्ट कॉल ₹2 फाइनल कॉल, ठीक है। तो ये एंट्री क्लियर हो गई। अब हम इसको देखेंगे री इश्यू किस तरीके से हुआ है इसका, ठीक है। चलो देखो लास्ट वाला सम था, कंपनी एड ओरिजिन आउट ऑफ फोर फिटेड शेयर्स कंपनी री इश्यू 1200 इक्विटी शेयर्स टू नील एट ₹8 पर शेयर, रिमेनिंग इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड टू हर्स एट ₹7 शेयर, मतलब 2000 को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया भाई, एक नील नील है, नील को ₹8 में दिया है एक शेयर और हर्ष को ₹7 में दिया है बराबर। तो नील का डिस्काउंट अलग है और हर्ष का डिस्काउंट अलग है, तो पहले हम नील का देखते हैं उसके बाद में हम हर्ष का देखेंगे। 1200 शेयर से और ₹8 का कॉल है बराबर, तो ₹2 का डिस्काउंट दिए। तो चलो देखते हैं दोनों का साथ साथ में बता दूंगा, अच्छे से समझ लेना। ई का सेकेंड पार्ट हाँ ये रहा, यहाँ से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले 1200 जो ₹8 में दिए थे बराबर उसका हो गया, तो 10 में से कितना कम पड़ रहा है, 2 रुपीज़ उतना हमने उसको डिस्काउंट दिया है बराबर। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट वापस से कितना में चला जाएगा 12000 में, तो शेयर फोर्स फीचरिंग अकाउंट का इसका जो भी बैलेंस बचा है 1200 शेयर्स का, तो पर शेयर कितना पे किया था इसने, ₹5 पे किया था ना, तो ₹5 के अकॉर्डिंग देखने जाओ तो कितने 1200 शेयर है ना, तो 1200 शेयर्स इंटू 5 था हाँ 5, तो 6000 टोटल फोर फीचरिंग अमाउंट कर सकते हो। नीचे ये है हर्षद आएगा, हर्ष या हर्षद जो भी नाम दिया हो, ₹7 में दे दिया है उसको, ₹3 का डिस्काउंट है और टोटल मिला के शेयर कैपिटल में 8000, ठीक है। अब शेयर फोर फीचर में ये कितना था इसका, रिमेनिंग शेयर्स मतलब टोटल 2000 थे, 2000 में से 1200 किसको दे दिया, नील को, तो 2000 माइनस 2000 में से अगर आप 1200 निकाल दो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचेंगे 800 बराबर। तो 800 में 5 रुपीज़ के हिसाब से फोर फीचर था मतलब 4000 था टोटल, 4000 में से कितना यूज़ हो गया है 2400, तो 1600 रिमेनिंग रहा, तो ये रहा कैपिटल रिजर्व में इसका बैलेंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो है अपना री इशूइंग का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इलस्ट्रेशंस जो आने वाले हैं उसके अंदर सारे पॉइंट्स मिक्स होंगे इन द सेंस इश्यूड एट पार भी हो सकते हैं, इश्यूड एट प्रीमियम भी हो सकते हैं, इश्यूड एट डिस्काउंट नहीं होंगे, फिर फोर फीचरिंग का पॉइंट भी इसमें ही आएगा, री इश्यूइंग का पॉइंट भी आएगा और ट्रांसफरिंग द फोर फीटेड अमाउंट इनटू द कैपिटल रिजर्व, ये सारे पॉइंट्स मिलकर एक सवाल बनेगा जो आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में 8 मार्क्स में पूछा जाता है।
ठीक है। तो अभी तक के सारे कंसेप्ट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, तो जितने भी वीडियोस इस चैप्टर के हैं ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, ताकि आने वाले वीडियोस आपको अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे, वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।